पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पोलियो व टीकाकरण में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर आज मुंडा पांडे ब्लॉक सभागार में कोर पी पीसीआई व एनजीओ जन कल्याण समिति की ओर से वर्वस मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में सलमानी भाइयों को क्षेत्र में टीकाकरण विरोधी पोलियो विरोधी परिवारों को टीकाकरण व पोलियो के बारे में समझाने व उन्हें प्रेरित कर इस व्यवहार को अपनाने के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में मिथिलेश वर्मा द्वारा कुपोषण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, तो वही कार्यक्रम में डॉक्टर मुमताज ने टीकाकरण बच्चों के लिए कितना आवश्यक है और टीकाकरण के अहम पहलुओं पर चर्चा की और सलमानी भाइयों को क्षेत्र में जाकर समझाने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उन्हें टिप्स दिए गए। कार्यक्रम में डीएमसी मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद शमीम द्वारा सलमानी भाइयों को पोलियो अपडेट्स बताए गए व पोलियो व टीकाकरण की जानकारी दी और बिरादरी के लोगों को पोलियो टीकाकरण के बारे में समझाने के लिए उन्हें जागरूक किया गया। मीटिंग में बीएमसी अनुज भटनागर, सीएमसी फिरोज आलम, सुरेश कुमार, शमशुल निशा, नुजहत इंतजार, बिमले शाहीन नाथ, ज्योति आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम शाहीन है, मैं ग्राम सरगढ़ खास में रहती हूँ और हमारा जो प्रोग्राम है वो पीसीआई जन कल्याण समिति जी। आज जो मीटिंग की गई है, क्या आपको इसमें क्या जानकारी दी गई है मैडम? इसमें पोलियो और टीका के बारे में जानकारी दी गई है, क्या मतलब अपने 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलवाएं और मतलब 0 से 5 साल तक के बच्चों को टीके लगवाएं। अगर ये टीका नहीं लगता है 5 साल के बच्चों को तो क्या बीमारी हो सकती है? इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे टीबी और पीलिया, खसरा और काली खांसी, गलघोटू, टैटनेस, निमोनिया, दिमागी बुखार वगैरह वगैरह बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं हम टीका नहीं लगवाते। आप इस मीटिंग द्वारा क्या संदेश देना चाहती हैं? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे अपने माता पिता मतलब अभिभावक अपने सारे बच्चों को 0 से 5 साल तक के बच्चों को और मतलब 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो और टीकाकरण मतलब टीके लगवाएं। मेरा मोहम्मद शमीम है और मैं कोर पीसीआई जन कल्याण समिति से डिस्ट्रिक्ट मोहल्ला जी और पत्र यहाँ काम कर रहा हूँ। और आज जो यहाँ हमने बार बार भाइयों को इकट्ठा किया है, उसका जो मकसद है वो ये है कि बार बार एक ऐसी कड़ी है जहाँ हर धर्म के लोग आते हैं और खाली समय में लोग आते हैं, तो क्यों ना हम इन लोगों को जागरूक करें जो सरकार की तरफ से मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उनको ये समझें, जाने कि वो क्या क्या सेवाएं हैं, जैसे टीकाकरण है या जननी सुरक्षा योजना में क्या क्या लाभ हम ले सकते हैं, पोलियो की खुराक बच्चों को हमें हर बार पिलवानी है जिससे कि हमारा देश पोलियो फ्री बना रहे। तो बार बार को हमने इसलिए इकट्ठा किया कि वो जागरूक हो, पहले वो अपने घर के सारे बच्चों को सारा टीकाकरण कराएं, लाभ लें, उसके बाद समुदाय को जागरूक करें, क्योंकि एक ऐसा तकवा है कि इनके पास हर तरह की जानकारी होती है, सामाजिक जानकारी होती है, स्वास्थ्य के प्रति जानकारी होती है और जो दूसरी सेवाएं चल रही हैं सरकार की उनकी जानकारी होती है और हर तरीके की चर्चा उनकी शो पर की जाती है। तो क्यों ना उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएँ जिससे कि आवाम का फ़ायदा हो, उनके बच्चे स्वस्थ रहें और आने वाला मुआशरा हमारा तंदुरुस्त। कि सर, अगर पोलियो की दवाई नहीं पिलाया और या टीका नहीं लगवाया तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? देखिए, जो सरकार में नौ जानलेवा बीमारियों के टीके लगाए जा रहे हैं, जैसे जन्म का लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी, पीलिया जिसको लीवर कैंसर का टीका भी कहते हैं, बीसीजी का टीका टीवी की बीमारी के लिए और पोलियो के खिलाफ पोलियो के लिए, ऐसे ही जो काली खांसी, गला घोटू, टैटनेस, हेपेटाइटिस बी और दिमागी बुखार, निमोनिया, खसरा, अभी रोटा वायरस का टीका भी